लाइए मैडम। नहीं मैं मेरा है ये। हाँ आप ही का है, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। अच्छा थैंक यू। महाराज। हाय बंधु, कहाँ हो? ग्रोसरी मॉल, मैं यहाँ शॉपिंग करने आई हूँ और मा रिटर्न। वो रिटर्न पॉलिसी ना वो मम्मी के लिए ही बनाई गई है। मम्मी रिटर्न करने के लिए चीजें खरीदती है। वो जो वो है ना दीपेश, दीपेश वो सेल्समैन, उसको मम्मी पड़ोसी की तरह लगती होगी। दीपेश बेटा जरा झाड़ू देना। हाँ कल सुबह तक लौटा दूंगी। तो भगवान ने फुर्सत में बनाया मेरी मम्मी को। हाँ और भगवान ने फुर्सत में बनाया मेरी वंदु रानी को। बिहार की मिस वर्ल्ड, पटना का पटाखा। नमस्ते भाभी जी, शॉपिंग? वहिनी डिस्काउंट बिस्काउंट चाहिए तो उधर नंद किशोर करके उनसे मिल लेना और मेरा नाम बताना, चंदू परम ने बोला है। ओके okay. और हाँ भाभी जी, मेरे घर पे ना ब्रेड खत्म हो गया है तो एक पैकेट ले लेंगे आप प्लीज, और कल सर के साथ ऑफिस में भिजवा दीजिएगा। जी तुम्हें कुछ चाहिए पुनीत? नहीं नहीं सर, मेरे यहाँ ब्रेड है। अच्छा नहीं तो बटर चीज जैम वगैरह? हाँ क्या? हाँ क्या? अरे बीवी से बात कर रहा हूँ यार, थोड़ी प्राइवेसी दो ना, क्या घुस गए तुम लोग सब लोग। जाओ सब लोग खाना खाने जाओ, चलो। अच्छा बंधु तुम मॉल में हो ना तो मेरे लिए प्लीज हैंगर खरीदना। हाँ वो कबर्ड में कपड़े ज्यादा और हैंगर कम है, एक डजन हैंगर खरीदना और प्लास्टिक का नहीं मेटल का। लव यू, लव यू टू। हाँ ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। नहीं अच्छा सुनिए, ये पोहा ना मुझे लाल वाले चाहिए थे मगर आपके पास 2 किलो का पैकेट है, मुझे छोटा चाहिए। एक मिनट है, एक मिनट। हाँ। एक किलो है, चलेगा? नहीं ये तो बहुत कम हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, आप अगर कंफ्यूज है ना तो उंगली खिंचवाइए। हाँ अरे ये तो बिल्कुल मेरे राजू की तरह। आप राजेश वागले की मम्मी? हाँ। अब समझ में आया। माँ मेरे पास पोहे का छोटा पैकेट है घर पे, मैं दे दूंगी आपको। वंदना सुन ना, राजू यहाँ आता ना तो इनसे भी उंगली खिंचवाता है। दीपेश भाई हाँ। मुझे हैंगर नहीं दिख रहे कहीं। हैंगर एल्यूमिनियम वाले? अच्छा, मुझे एक डजन चाहिए। ओके देखा, खरीदाना हैंगर। हाँ राज। वंदु हो गई शॉपिंग? हाँ हो रही है, तुम्हारा हैंगर भी ले लिया है। अरे नहीं नहीं नहीं, इनफैक्ट मैंने उसी के लिए फोन किया था कि हैंगर्स नहीं चाहिए। हैंगर नहीं चाहिए? पर तुमने ही तो कहा था ना कि कबर्ड में कपड़े ज्यादा हो गए और हैंगर कम। तो नहीं नहीं, I'm so sorry, इनफैक्ट मेरी गलती थी। लेकिन यू नो मैं क्या सोच रहा था कि एज इट इज मैं वो कपड़े यूज नहीं करता तो हैंगर पर लटकते रहेंगे, धूल खाते रहेंगे, उससे अच्छा मैं डोनेट कर देता हूँ ना वो कपड़े, इसलिए हैंगर्स नहीं चाहिए थे प्लीज। ओके नहीं चाहिए। अरे बेटा तुम्हारा मुंह क्यों उतरा है, मैं शाम को वापस आऊंगी ना, 100% आऊंगी। नहीं नहीं सिर्फ वापस करने नहीं, कुछ लेके भी जाऊंगी। बाय बाय चलो। भाई साहब ये सामान ठीक से ऑटो में रखवा देंगे? जी दीदी, जी दीदी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लो ये पैसे रख लो। नहीं नहीं। अरे इतना सामान उठा के रिक्शा में रखोगे? पैसे रखो, काम है हमारा मैडम, इसी की तनख्वाह लेते हैं हम। क्या बात है, कितना बदलाव है ना, पैसे दे रही हूँ फिर भी नहीं ले रहा है, खुश रहो बेटा। भाई साहब मेरे ना पति के कुछ कपड़े हैं, बुरा मत मानिएगा, कई तो नए ही रखे हैं, बहुत कम पहने हैं, तो मैं अगर आपको लाकर दूँ तो आप लेंगे? नहीं नहीं कपड़े तो मैं खुशी से ले लूंगा दीदी। अरे मेरे पास भी बंडल पड़ा हुआ है, बहुत सारे कपड़े, साड़ियाँ भी है कुछ। साड़ियाँ तो ट्राई नहीं किया कभी, लेकिन बहुत मजा किया हो। क्या नाम है तुम्हारा? मनोहर। अरे हाँ लिखा तो है मनोहर पाटिल, शुक्रिया, चलो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।